हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुकर वाले चिकन की रेसिपी। तो कुकर वाले चिकन से मेरा मतलब है कि फटाफट वाले चिकन की रेसिपी, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी होने वाली है। वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए, लास्ट तक देखिए कि मैंने कैसे बनाया। बहुत ही ईजी तरीका है ये इसे बनाने का, और बहुत ही लाजवाब सा चिकन आपका, बहुत ही लाजवाब ग्रेवी, बिना कोई मसाला करने के, बिना आप मसाले के ही इसको बना के तैयार कर लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, टमाटर, लहसुन की एक गांठ ली है, अदरक लिया है 1 इंच के करीब, और हरी मिर्ची की जिसको स्लिट कर लिया था मैंने, बीच में से कट कर लिया था। अब यहाँ पे लिया हमने कुछ अपने खड़े मसाले। तो ये हो गया तेज पत्ता, और सारे जो इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और दालचीनी, काली मिर्ची, ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खड़े मसाले जो होते हैं ना, बड़े वो मुँह में आते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े से टुकड़े लिए हैं उनके, थोड़ी सी। अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं मसाला। मसाला मतलब जो अपने ड्राई मसाले होते हैं, वह मैंने लिए हैं हल्दी, लाल मिर्ची, हरा धनिया और गरम मसाला। इन सबको क्या करेंगे हम, पानी डाल के ना इनका एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाला हुआ है, तो इसको डाल के इसमें जब पानी डाल देंगे, तो जब मसाले में डालेंगे तो हमारे मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं। तब यहाँ पे कुकर में मैंने कुकर लिया है, क्योंकि कुकर वाला चिकन है हमारा। तो अब सबसे पहले डाल दिए तेज पत्ता, और जो सारे खड़े मसाले हमने लिए थे वो उनको डाल देंगे। आँच थोड़ी सी कम ही रखेंगे इस टाइम पे, क्योंकि नहीं तो तेज आँच में आकर मसाले डालिए ना, तो वो सारे एकदम से जल जाते हैं। तो वहाँ पर हमें जलाना नहीं है इनको, क्योंकि हमें कुकर की सीटी भी लगानी है। तो अब यहाँ पर मैंने डाल दी हरी मिर्ची और प्याज डाल दिया है। और ये तो इतने जल्दी, आपको बहुत जल्दी हो कहीं जाना हो या और टेस्टी भी खाना हो तो ना ये रेसिपी बहुत काम आती है। तब यहाँ पे डाल दिया है हमने लहसुन भी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी मैंने टमाटर नहीं डाला है और अदरक जो है वो भी नहीं डाला है, क्योंकि ये जो हमने डाले ये सारे खड़े हैं, है ना। अब अदरक जो है वो बैठा हुआ है, मतलब घिसा हुआ है, तो उसको नहीं डाला। उसको डाल दूंगी तो वो भी जल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। अब मैं डाल रही हूँ अदरक। अगर मैं अदरक मैंने पहले ही तेल में डाल दिया होता ना, तो वो थोड़ा सा जल जाता, तो इसलिए मैंने इसको नहीं डाला है। और डाल दिए हैं अब हमने टमाटर, और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये रेसिपी होती है ना, चिकन इतना मतलब वो बनता है अंदर से मॉइस्चर वाला, इतना टेस्टी, इतना सॉफ्ट बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब ये जो हमने अपने मसाले, पाउडर वाले जो मसाले थे ना, उनमें पानी डाल के रखा हुआ था, तो वो मसाले भी हम डाल देंगे। और डायरेक्ट डालते ना तो कई बार क्या होता है कि हरी मिर्ची, लाल मिर्ची डाली, अदरक डाला, हल्दी, कुछ भी बोलती हूँ मैं, तो वो सब डालते डालते ना मसाले थोड़े से जलने लगते हैं, लगने लगते हैं नीचे। अब उसी मसाले की कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और पानी डाल के उसको भी मिक्स कर देंगे इसी में। तो अभी बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने चिकन में ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि चिकन को हम उसके अपने जूसेस में पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक आधा कप के करीब जो है वो पानी डाल दिया है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है कुकर में एक सीटी। जी हाँ गाइस, कुकर का ढक्कन लगा देंगे, उसकी एक सीटी लेंगे हम। और सीटी को लगने के बाद में उसका जो पूरा प्रेशर निकल जाएगा ना, उसके बाद में ही हम कुकर को खोलेंगे। तो हमारा अंदर जो हमने प्याज वगैरह सब डाला था, ये देखिए वो अच्छे से गल गया है ना। देखिए सारे मसाले जो है इसमें अच्छे से गल गए। अब मैंने क्या किया, ये जो पाव भाजी का जो मैशर होता है ना, वो लिया है, उससे इसको मैश कर देंगे। सारे मसाले जो है ना वो इजीली, जो वो इतने अच्छे से पक चुके हैं, एक सीटी में ही सारे गल जाएंगे। और इससे क्या होता है, इस रेसिपी से क्या होता है कि हमें जो मसाला ये सब डाल के उसको वो करो, मिक्सर में ग्राइंड करो, और फिर उसको क्या बोलते हैं, भूनो, वो सब की झंझटें सारी खत्म हो जाती है, और बढ़िया लाजवाब से आप की ग्रेवी तैयार होती है। आप देख सकते हैं, तो मेरे जो सब है मसाले जो है वो अच्छे से पक गए। अब मैंने इसमें डाल दिया है चिकन डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को जो है वो अच्छे से लपेट देंगे जो हमने मसाला बनाया है उसमें। तो यहाँ पे मेरा चिकन जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच के करीब चिकन मसाला। चिकन है तो चिकन मसाला डाल देते हैं। 1 नहीं 2 चम्मच लिया, सॉरी 2 चम्मच डाल के चिकन मसाले को भी इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं अभी से हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है, लग ही नहीं रहा है ये मसाला देख के कि मैंने इसको कुकर में प्रेशर दे के बनाया है। थोड़ा सा नमक मैंने टेस्ट किया था, कम था, तो वो डाल दिया। और अब थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मुश्किल से आधा कप के करीब जो है वो पानी डाला है। तो अब ये पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ग्रेवी भी लगभग ऐसे देखिए बन गई है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से लेनी है केवल 1 सीटी। जी हाँ गाइस, सिर्फ 2 सीटी में आपका काम हो जाएगा। बहुत ही फटाफट से ये बढ़िया सा आपका चिकन बन के तैयार हो गया। मेरी कुकर की सीटी लग चुकी है, उसका प्रेशर पूरा खत्म हो चुका है। ध्यान रखना है गाइस, चिकन बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए हमें केवल 1 ही सीटी लेनी है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना लाजवाब हमारा चिकन बनके तैयार हुआ। और देखिए ऊपर ऑयल कितना अच्छा आया है, जबकि मैंने इसमें ऑयल डाला नहीं। मेरी जो ये पली ना आप देख सकते हैं कितनी छोटी है, ये मैंने जूम करके रखा हुआ है इसलिए इतनी बड़ी दिख रही है, वैसे ये बहुत छोटी है। तो ये मैंने केवल 2 ही ली थी, 2 पली भर के लिया था ऑयल, और पूरा ऑयल इतने अच्छे से आया और चिकन इतना सॉफ्ट बना है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस अब ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हमारा जो लाजवाब सा चिकन है वो 5 से 10 मिनट में, मतलब एक सीटी लो, उसके बाद में दूसरी सीटी लो और आपका चिकन बनके तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी लगता है ये चिकन, बहुत ही जल्दी बन जाता है, ये बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरत होती है मुझे लाइक करने की, कोई मेरी वीडियो लाइक नहीं करता। पता नहीं कभी कभी तो सेल्फ डाउट होता है कि अच्छी भी बनी है कि नहीं बनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।